पापा से इतने नए विचार लाती हो तुम, हर पल रखती हो तुम संजो के, उन्हीं में कुछ नया गढ़ लेती हो तुम। पथरीली हो राहें कितनी, उनसे भी फूल चुन लेती हो तुम। अनमोल कृति हो तुम प्रभु की, ये उसको ही कह लेती हो तुम। इतना साहस कैसे इस कोमल हृदय में भर लेती हो तुम। ये कैसा सामंजस्य है, कैसा तालमेल, जो सबके चेहरे में मुस्कान भर देती हो तुम। नई राहों में बिना डरे दृढ़ता से चल लेती हो तुम। कुछ ऐसा ही प्रयास किया है नम्रता वर्मा और डॉक्टर अमृता केसरवानी जी ने, और बेकार पड़ी चीजों को दिया है नया और इतना सुंदर रूप कि वो फिर मूल्यवान हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची का स्तंभ विज नारी, और आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उनके लिए, या कहना चाहिए उनकी स्वरचित हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं जो हम पहले आपको सुनाना चाहेंगे। ईश्वर को है अर्पण फूलों की ये सुगंध, आओ मिलकर मिटाएं पर्यावरण से दुर्गंध, दीजिए हमें सहयोग करिए इसका प्रयोग। ईश्वर से हमारा नाता है, पर्यावरण संरक्षण का इरादा है। ये हैं पंक्तियां अर्पण लघु उद्योग धूप एवं अगरबत्ती रीवा मध्य प्रदेश की, और इनको चला रही हैं एक जोड़ी के रूप में जो आज हमारे साथ हैं, अमृता जी और नम्रता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और ये अनूठा कार्य वो है, एक पहल है, एक प्रयास है। तो ये कैसे दिमाग में आया इसका ख्याल, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ना केवल ये दुनिया से जुदा है बल्कि काबिले तारीफ भी है, तो थोड़ा सा लोगों को पता चले और ऐसी पहल और भी हो, क्या है ये? एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई थी 2022 में NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के थ्रू, स्कूल्स में प्रोजेक्ट आते हैं। ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी बेटी उस समय क्लास 7th में थी, और पाखी वर्मा उसका नाम है। तो क्योंकि मैं साइंस की टीचर रही हूँ, तो मैम ने कहा कि अपनी मम्मी की हेल्प से कुछ एक अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट बेटा आप देखो, और फिर हम लोग उसको और स्टडी करेंगे और रिफॉर्म करेंगे। तो जब मेरी डॉटर ने आके मुझसे कहा, तो मैंने सोचा कि कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर हम शुरू करते हैं तो पहले एक सर्वे होता है। तो हमने कहा कि बेटा आप सर्वे करो, देखो जरा। तो अपने पापा के साथ सुबह में जब सर्वे करने गई, तो जब फोटोज क्लिक करके लेके आई, तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन नजर आया, क्योंकि नवरात्रि के दिन थे तो चारों ओर फूल बिखरे हुए थे। अच्छा। तो हमने देखा कि जो फूल हम इतनी श्रद्धा से मंदिरों में चढ़ाते हैं उनका बड़ा ही अनादर होता है। तो क्यों ना उनसे कुछ ऐसी चीज बनाई जाए कि वो अनादर भी ना हो और पोल्यूशन भी ना हो, दोनों चीजों से हम बच सकें। तो अमृता और हम लोग दोनों का ये सोचना हुआ, तो फिर कुछ रिसर्च पेपर्स की स्टडी करें ये सोच के सर्च किया जी। तो पता चला कि कर्नाटक में एक महिला है जो धूप बनाती है, और फूल करके कंपनी है जो धूप और अगरबत्ती बनाती है इन्हीं फूलों से, बट अपने मध्य प्रदेश में कोई ये काम नहीं कर रहा था। अच्छा। मुझे कोई भी ऐसा वर्क मध्य प्रदेश का नहीं मिला जी। जब मैंने सर्च आउट किया, क्योंकि एग्रीकल्चर को बिलोंग करती हूँ तो मेरे रिसर्च साइट्स पे मेंबरशिप है, तो देखा तो कोई भी ऐसा वर्क नहीं था। तो हमने सोचा ये अपने MP की तरफ से बहुत ही यूनिक काम हो सकेगा। तो डिस्ट्रिक्ट में बिटिया फर्स्ट आई, फिर स्टेट में आपका ये प्रयास जो है वो सफल हुआ। सफल हुआ। फिर जब हम स्टेट में गए तो अमृता का और भी अच्छा रिसर्च वाला दिमाग है, हालांकि इसकी हिंदी में PhD है। अच्छा। बट दिमाग अच्छा रिसर्च वाला है। हम लोग ने मिलके करीब स्टेट लेवल पे जाते समय, आप दोनों रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टरेट हूँ हिंदी में। हाँ। और मेरा बायोटेक्नोलॉजी में परसुइंग कर रही, बस अगले साल PhD सबमिट हो जाएगी। वो भी इसका इनोवेशन इसी ने दिया कि नहीं तुम बिल्कुल करो, मोटिवेट कर रही थी मुझे कि तुम भी PhD कर लो, इतना सब जानती हो रिसर्च, PhD होना चाहिए।
तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग जब स्टेट लेवल पे गए तो 8 हमने करीब प्रोडक्ट्स अपने बना के ले गए, जिसमें अच्छा गुलाब जल और इत्र जो बनाया वो पाखी ने अपने खुद के तरीके से बनाया। उसने कुछ सर्च किया, कुछ गूगल में देखा, कुछ उसकी हेल्प ली, कुछ जैसे वो करके उसने बनाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनाया उसने। अच्छा तो फिर उसके बाद जब हम नेशनल लेवल पे गए तो हम करीब 12 से 14 प्रोडक्ट्स लेके गए, तो वो काफी अच्छा रहा। स्टेट में उसकी सेकंड पोजीशन थी। तो फिर जब लौट के आई तो फिर तो एग्जाम स्टार्ट हो गए। फिर एक दिन अच्छा हम लोग दोनों ने सोचा कि क्यों ना हमने जो ये काम एक शुरू के एक प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल लेवल पे, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। उसको एक बड़ा रूप दिया जाए, क्योंकि हम मतलब क्योंकि हम लोग दोनों टीचर हैं। अच्छा यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी कि आप दोनों कैसे जुड़े, ये ख्यालात कैसे मैच हुए, इसका कैसे मुझे लगा कि ये बताइए। जोड़ी के रूप में हम आगे काम कर सकते हैं। तो जैसे अभी बात ही हो रही थी कि हम दोनों टीचर रहे हैं, जी तो रीवा में हमारी दोस्ती का जो आधार बना वो सेंट्रल एकेडमी स्कूल रीवा अच्छा बना, अच्छा जहाँ पे हम लोगों ने 21 जून 2013 ज्वाइनिंग की। और अच्छा ज्वाइनिंग में पहले दिन पहली नजर और पहली दोस्ती यूँ कह से, मतलब जी हमारे रीवा में हमारी पहली दोस्ती वहीं से शुरू हुई। उसके बाद फिर बहुत लोग मिले, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन हम लोग वहीं रहे, वैसे ही रहे और आज भी वैसे ही वाह आज इस साल हम लोग की दोस्ती को पूरे 11 साल हो जाएंगे। 11 साल हो जाएंगे, मन से लेकर विचारों तक सब कुछ मिलता सब है। कुछ मिलता है हमारा। और शिक्षिका थी दोनों, बिल्कुल तो दोनों शिक्षिका यहाँ थी। तो विचार मिलते थे तभी एक जगह जी पे आज जी मिले बिल्कुल, एक दूसरे से। दो लोग तभी मिलते हैं जब उनके विचार मिलते हैं, चाहे बिल्कुल वो दोस्त बिल्कुल हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो जी, दुनिया का कोई भी रिश्ता लेकिन हम लोग के तो नाम नाम भी मिलते हैं। मैं भी दोनों में एक दो बार मैं भी धोखा खा रही हूँ। तो नम्रता अमृता तो बिल्कुल अमृता कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, और ये बिल्कुल आपकी पंक्तियों से भी हमने बिल्कुल देखा, इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है ए और एन, तो हमें बिल्कुल लगा कि अमृता जी जोड़ी दोनों के है दिमाग से ही उतर के आई है। जी एक्चुअली हम लोग दोनों शिक्षिका रहे तो हमारा हमेशा से मोटिवेशन था बच्चों के लिए कि आप प्लांटेशन करो, क्योंकि एनवायरनमेंट को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हाँ। आज ही उसका शुरू करना पड़ेगा, संरक्षण। प्रकृति का बिल्कुल हाँ संरक्षण बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ये आप लोगों के अंदर गुण थे तो उसको आपने आगे बढ़ाया है। बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया। और आज हम ये फूलों से बनी हुई इतनी विभिन्न जी चीजें लेके आए हैं, तो बिल्कुल वस्तुएं लेके आए हैं जी। हम देखना चाहेंगे, हमें काफी अलग दिख रही हैं, कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं, और बिल्कुल कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस रूप में आ भी सकती हैं बिल्कुल या बिल्कुल। ये मतलब हमारा प्रोडक्ट से, ये हमारी टैगलाइन है आप कह जी सकते हैं, कि प्रोडक्ट से लेकर पैकिंग तक सब कुछ हैंडमेड और सब कुछ बायोडिग्रेडेबल। मतलब अच्छा इवन इसका ये पेपर भी, ये तो कपड़ा तो गल ही जाएगा अगर मिट्टी हाँ में जाएगा, ये पेपर जो है ये भी गलेगा क्योंकि ये सब जूट का बना है। जूट का जूट बना, का ये बिल्कुल हमारे यहाँ ही सिलाई होती है, हमारे यहाँ ही ये पैकेट तैयार होते हैं, और जो सामग्री हम इसमें रखते हैं वो भी हम लोग खुद, हमारी महिलाएं तैयार करती। बनाती है शुरू में तो हम लोग खुद ही किया करते थे, एक एक प्रोडक्ट पकड़ लिया था दोनों जन ने, और एक हमारी भाभी जी हैं, मेरी भाभी हैं, वो बनाती हैं अगरबत्ती, तो तीन लोगों ने 3 प्रोडक्ट पकड़े थे और वहीं से हम अच्छा लोगों ने शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे महिलाएं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और आज 10 महिलाएं कुल मिला के हमारे जुड़ पास मतलब है। बहुत छोटे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मतलब खुद आपने ही शुरू घर में, किया घर के कामों से जितना टाइम बचता था उद्योग में जी, आने के बाद में, उसके बाद हम लोग आधी रात को और लेके बैठ जाओ। जाते मैं तो निशाचर हूँ तो मैं तो रात नहीं आधी करती रात को लेके बैठते थे और करते थे कि इतना करके जाना ही है घर से। हाँ कभी फैसला किया कि अब यही काम लग के करना है, अब जॉब नहीं करनी। जॉब तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी, हमने 2019 में मैंने छोड़ा भी था, ड्रॉप डाउन कर दिया इन्होंने था। अच्छा 2020 में 22 में, 22 में छोड़ा। 22 फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट हाथ में आ गया। जी फिर उसके बाद में जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है नेशनल लेवल पे, फिर धीरे धीरे दिमाग में घंटी बजने लगी थी कि अब कुछ करना है इसको लेके। तो हाँ मतलब परिस्थितियां धीरे धीरे बनती चली गई, और पिछले साल 2023 में 26 मार्च 2023 में हमने इसको आधार रूप दे पूजा दिया, पाठ के साथ पूरा शुरू आधार रूप किया। दिया। और क्या क्या है इसमें जिसे हमने जाना हम लोग इसमें सबसे से पहले देखें। मैं जो अमृता पैकिंग का बता रही थी, तो पैकिंग जी हमने जूट की जो ली है हाँ ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि पूरे अपने इंडिया में कोई भी अगरबत्ती जूट की पैकिंग में नहीं बिकती। नहीं बिकती तो उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जूट की खेती होती है,
खेती होती, इसका मतलब है कि हम कोई भी पेड़ को नहीं काटेंगे, कागज का जो भी स्वरूप लेंगे, जो ये जैसे ये टैग बना है ये जूट का बना हुआ है, तो ये इसलिए बायोडिग्रेडेबल है और ये इजिली रिसाइक्लेबल है, और ये कागज का जो रूप है ये पेड़ों को काट के नहीं है। अच्छा, तो ये खेती के द्वारा है, तो खेती तो हर साल होती है, और जितना अपना ईस्टर्न जोन है इंडिया का वो पूरा जूट की खेती करता है, तो बहुत अच्छे से उपलब्ध है अपनी कंट्री में इसका मटेरियल। तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम 100% बायोडिग्रेडेबल करेंगे, पर्यावरण संरक्षण होता रहे। हाँ, इसमें अगर हम आप देख रहे हैं कि पैकेट भी जो हमने यूज किया है ना, ये तो क्या होता है कि हमने शुरू में इसको पेपर मतलब उसमें डाल ऐसे ही डाल के देखा, उसमें डाला तो वो अपना, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल होता है, फूलों से बनी हुई चीज है तो फूलों का अपना एक नेचुरल ऑयल होता है, तो धीरे धीरे वो पेपर में आ जा रहा था। हाँ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम वो अगर हम एक ये पॉलिथिन सपोर्ट भी लेंगे तो उसको लेंगे जिसको मापदंड के अनुसार रिसाइकिल किया जा सके, तो हमने इसलिए उसको एज अ सपोर्टिव लिया है। अच्छा अच्छा, अगरबत्ती बनी हुई है इससे, फिर उसके बाद ये धूप है। अभी कितने लोग आपका साथ दे रहे हैं इसमें? इसमें हमारी करीब 10 महिलाएं हैं। अच्छा, जुड़ी हुई हैं इससे, तो ये कहना चाहिए बहुत ही बारीकी से इस तरह से काम होता है, क्योंकि कटिंग हो गई, फूलों को समेटना, सहेजना, ये सब मतलब, कुछ करते हैं आप पहले? हाँ, मतलब हमारे पहले शुरू में तो हम खुद ही जाते थे, दोनों ने प्रयास किया, मंदिरों में अप्रोच की पहले, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए, हमारे तो फेंक देते हैं हम लोग, वैसे भी नगर निगम ले जाता है, तो आप लोग ले जाइए, हमको तो यहाँ से हटाना ही है, क्योंकि तो चढ़ा भी नहीं रह सकता, श्रद्धा भी बनी रही, तो फिर खुद ही जाके अपनी स्कूटी पे जाके बोरी में बटोर के लाना, फिर उसको साफ कराना। पहले शुरू में महिलाओं को नहीं भेजा क्योंकि वो लोग भी थोड़ा सा डरती थी, महिलाएं हैं नॉलेज कैसे करना है, फिर धीरे धीरे महिलाओं को ट्रेन किया, अब तो उनको बैठा देते हैं ऑटो में, जाओ और वो जाते हैं बकायदा जैसा हम बटोर के लाते हैं वैसा, वो पूरा समेट के लाना, फिर उसको धोना, धोने के बाद उसको फिर पानी छानने के बाद में फिर वो लोग उसको अलग अलग करती हैं, जब सारे वो होती हैं तो इतने चावल दाल बहुत निकलता है, तो वो हम लोग डाल देते हैं, तो चिड़िया बहुत सारी आती हैं इसी बहाने खाने के लिए, ये भी एक परोपकारी हो रहा है एक तरह से। फिर उसके बाद वो लोग उनको सबको छांट के अलग अलग फूलों को अलग अलग सुखाना तोड़ना, फिर उनको पीसने की, जब सूख जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये कैसे पता चला, या पूरी तरह से आपने ही सोचा कि इस तरह से फूलों को एक बार उनको समेटना फिर उनको धोना, मतलब एक लंबी प्रोसेस इसलिए पड़ता है मैम क्योंकि मंदिरों में तो हम दूध दही घी सब चढ़ा रहे हैं, तो वो उसमें सब आ जाता है, तो इसलिए उसको धोना आवश्यक है, और अगर हम धोएंगे नहीं तो उसमें साफ सफाई कैसी रह जाएगी, साफ सफाई नहीं रहेगी। और क्या होता है कि कोई चीज हमें अगर ईश्वर को अर्पण करने के लिए शुद्ध बनानी है, शुद्ध चीज करनी है, तो उसको साफ सुथरा तो पहले करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, इसी बहाने जैसे क्या होता है कि जैसे शिवलिंग है कहीं से कुछ दरक गया है तो वो सब मंदिरों में चढ़ा जाता है, फिर वो वापस हमारे पास ही आ जाता है क्योंकि वो फूलों में इकट्ठा होके आता है, तो बहुत सारे हमें भगवान के अंश भी मिले हैं उसमें। अंश तो मिले ही मिले हैं, इसी क्रम में हमको एक शिवलिंग भी प्राप्त हुई मनकामेश्वर मंदिर में, पेड़ के नीचे में फूल समेट रही थी, तो वहाँ से हमको नर्मदेश्वर प्राप्त हुए, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल शिवलिंग है हमारी दुकान में रखे हुए, उनको स्थापित कर दिया, ये सब उपहार मिल गया, बिल्कुल भोलेनाथ का उपहार है, और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है इसलिए हमें ये लाइनें भी मिली, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं ने हमको प्रेरित किया है, ईश्वर से हमारा नाता है, तो ये उपहार मिला है, तो वो तो उपहार मिला ही मिला, और उसके बाद फिर हमारी महिलाओं ने बहुत मेहनत की, निश्चित बहुत मेहनत करती है। हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ जितनी महिलाएं काम करती हैं ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी कहीं काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकली हैं, झिझकती थी पहले, प्रेरणा मिली, झिझकती थी, हमने जब उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बातें करी, तो धीरे धीरे उनकी झिझक दूर हुई है, आज वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि अगर हम एक स्टॉल उनको दे देंगे तो वो अपना आराम से मैनेज आउट कर लेती है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो ये क्या था कि उनको यहाँ तक लेके आने में हम लोग को भी काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत उनको मोटिवेट करते थे कि तुम लोग कर सकती हो, और एक तो हमारी जो दीदी है वो जो ये पैकिंग बनाती है, तो वो दीदी तो अभी गुजरात होके आई है, एनसीएससी के थ्रू ही हम लोग को वहाँ पे इन्विटेशन आया गुजरात जाने का, इस बार अभी हम लोग भोपाल गए थे तो भोपाल में हमारा स्टॉल लगा जो कि बहुत ही मतलब हमारा हम लोग लेके गए थे जितना सामान उसमें से आप समझ लीजिए 70-80% पूरा निकल गया सामान,
और लोगों को इतना पसंद आया कि शुरू में तो एक दिन तो वो मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ एक छोटा सैंपल लेके गए, फिर जब सैंपल को अपने केबिन में जाके जलाया है और उसकी खुशबू देखी उन्होंने, तो आके फिर बड़े-बड़े पैकेट्स ले गए, मतलब बल्क में सामान ले गए, बल्क में सामान ले गए, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा हमको वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर खुशी हुई कि हाँ अगर हम ऐसे बाहर आके भी काम कर सकते हैं तो अगर हमको कहीं का चांस मिलता है तो हम उसको भी नहीं छोड़े। तो वहीं पे हमें गुजरात का आया हुआ गोधरा जाने का, तो वहाँ पे ICR के थ्रू एक प्रोग्राम होने वाला था, तो वहाँ पे हम लोग तो नहीं जा पाए, हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, पर दीदी जरूर गई और उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका भी। अच्छा, और कहाँ पर हौसला अफजाई मिली आपको, जैसे अभी हमने कुछ ही वक्त पहले आपको चित्रांगन में भी मिली? बिल्कुल बिल्कुल, हमें चित्रांगन में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, सोनमने सर और संस्कृति जैन मैम भी आई हुई थी तो उनने भी हम लोग को काफी अप्रिशिएट किया। और सबसे बड़ी सराहना हम लोग की तब मिली हमें जब हमने कला उत्सव में अपना पहला हमारा ऑफिशियल स्टॉल अगर हम कहें तो वो कला उत्सव है। कला उत्सव में हम लोगों ने स्टॉल लगाया था और वहाँ जो पब्लिक आई उन लोगों ने जो सराहना दी वो हमारे लिए बहुत मतलब वो हमारे उद्योग का टर्निंग पॉइंट हम कहते हैं। कुछ एक ऐसे ऐसे भी थे कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको सिर्फ इसलिए भेजा था कि जाओ वहाँ पे अर्पण की अगरबत्तियां मिल रही हैं जो बहुत ही खुशबूदायक हैं और तुम उसको ले के आओ। अच्छा, हमारी अगरबत्तियों में बड़ी खासियत भी है, नहीं मैं खुशबू आ भी रही नहीं, सिर्फ खुशबू नहीं है, खुशबू से और ज्यादा खासियत है। उसमें खासियत ये है कि जैसे ये ट्रिपलेट है एक तरह से, कैसे कि अगरबत्ती पूरी 1.5 घंटे जलती है, आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखेगी। उसके बाद क्योंकि इसमें कपूर डला है तो कपूर क्या करता है कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो आपके घर में कीटाणु हैं उनको खत्म करने का काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि होलिका दहन होता है तो उसमें कपूर लोग जरूर डाल के जलाया जाता है, आजकल कम इस्तेमाल हो रहा है और काफी बैक्टीरिया भी दिखते हैं। कपूर अभी कोरोना में भी यही हुआ कि लोगों ने कपूर जलाया, बैक्टीरिया की वजह से काफी बीमारियां फैल रही, तो इसलिए हमने इसमें चारकोल की जगह कपूर यूज किया। चारकोल 1% भी हमारे इसमें बिल्कुल जीरो चारकोल है, एक भी स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद क्योंकि अगेन क्योंकि इसमें जो स्टिक है उसकी भी एक खासियत है, वो भी हमारे एक जो उपयोगकर्ता है उन्होंने बताया था कि आपको पता नहीं है आपकी स्टिक में नीलगिरी तेल की खुशबू आती है। अच्छा, तब जाने की नीलगिरी की लकड़ी है ये। हाँ। बांस को लगाने, बांस कहा जाता है कि सनातन में नहीं जलाना चाहिए, सनातन संस्कृति में जी जी। तो अब बांस का सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा जाए, तो जब सर्च किया मार्केट में तो फिर ये लकड़ियां मिली, तब तो ये किसी और नाम से बिकती थी, विदेशी नाम से। लेकिन जब हमने जाना तो हमने भी उनको बताया कि आप इसको नीलगिरी की लकड़ी बोल के बेची ये लकड़ियां जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती होती है उसमें बड़ी उसमें यूज होती है, यूज होती है। तो इस नीलगिरी की खासियत हमारी अगरबत्ती में भी आ गई है कि अगर आप जहाँ इसको जला के बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे ये बुझने के बाद भी आपको वहाँ एक भी मच्छर नजर नहीं आएगा। अच्छा, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं मेरे घर में, मेरे पापा जी करते हैं, रात में वो जला देते हैं अगरबत्ती और आराम से सो जाते हैं, उनको एक मच्छर महसूस होता है। खुशबू तो है ही, खुशबू तो मच्छर है, भी मच्छर नहीं आती है, ये ट्रिपलेट है। और एक और कोई दुष्प्रभाव है जो हम अलग से इस्तेमाल करते हैं मच्छरों के लिए? जी जी हाँ, उसमें केमिकल होता है। उसमें केमिकल, इसमें हम फ्रेग्रेंस में ऑयल यूज करते हैं, केमिकल हम नहीं यूज करते हैं। तो वो भी एक चीज है कि ऑयल के कारण और खुद का जो फ्लावर का अपना नेचुरल ऑयल निकलता है उस कारण से इसकी खुशबू मतलब मेंटेन रहती है। प्रोसेस थोड़ा सा मैं बताइए कि फिर क्या करते हैं आप, जैसे हमने ये देखे आपने कुछ दिए भी रखे हैं जी जी, और भी आप कुछ दिखाने वाली थी? हाँ, मैं धूप दिखा रही थी आपको जी। एक्चुअली क्या है कि फूलों को अलग करने के बाद उनको सुखाना है, फिर सुखाने के बाद उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उसके बाद उसको पाउडर रूप बनाकर और उसके बाद फिर ये सारी ये मसाला तैयार किया जाता है इन सब चीजों का। अच्छा, इनके लिए कुछ गीला भी करते हैं आप इसको कि सूखे? नहीं, सूखे में तो नहीं बन पाएगा, गीले में ही बनेगा। जैसे हम आटा लगाते हैं, किस चीज से करते हैं वो? हम घी, कपूर और थोड़ा सा पानी। अच्छा, और उसमें भी शुद्ध चीजें हैं, शुद्ध चीजें, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं यूज कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में फिर ये तो अगरबत्ती हैंडमेड हाथों से ही बनती है, ये हमारी पूरी किट बनी हुई, ये पूरी किट बनी हुई, ये सब चीज हमने रख के दी हुई है कि मतलब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। अगर हम मंदिर पहुंच गए, माचिस भी नहीं है तो आप ये लीजिए और पूरा भक्त जब भी पहुंचे वैसे भी हर इंसान को इतनी सहूलियत हो। हाँ,
कई बार होता है अरे आप माचिस दे दो, अरे आप माचिस दे दो, हाँ। तो हमने सब चीज व्यवस्थित करके दी है। अपने दर्शकों को बिल्कुल कहना चाहेंगे कि एक बार तो जरूर इसका प्रयोग करके देखें जी। और क्या चीज तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये तो धूप हो गई, फिर हमारे पास हवन कप है। ये हमारे सबसे शुरू के प्रोडक्ट है जो सबसे पहली बार हम लोगों ने इनिशिएट किया था। ये हमारे नेशनल तक गए थे, ये सब प्रोडक्ट्स हमारे नेशनल तक गए थे। ये एकदम बहुत ही शुद्ध है हवन कप। तो हवन कप में जो ये कोन्स आप देखेंगे ना, जो कप के अंदर हम रखेंगे, ये बहुत ही शुद्ध है। मतलब ये 100% हवन सामग्री से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। इसमें मतलब आप जब इसको जलाएंगे तो ये पूरा कप जो है ये पूरा जल जाता है। कप भी जलेगा, हवन का ये भी जलेगा। जलने जलते जलते अपने आप आँच बंद हो जाएगी। अच्छा। और जो इसकी खुशबू उठेगी, जैसे हम धुआं करते हैं, जैसे हम हवन करते हैं घरों में, पूरा वही काम, तो वही चीज है। तो ये इस तरह शाम के टाइम पे कई घरों में धुआं दिया जाता है, तो उसके लिए आप इसको बखूबी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये तो हम लोगों ने खेल खेल में बनाया था। कटोरी बनाई थी पहले, फिर कटोरी से, फिर मैंने सोचा नहीं इसको एक और अच्छा शेप देना चाहिए, तो खिलौने से कप उठा के ले गई मैं। बच्चों के पास खिलौने होते हैं, कप उठा के ले गई मैंने, कहा इसमें ट्राई करते हैं। तो वो ट्रायल हमारा इतना शानदार हो गया कि मतलब ऐसा पीस कहीं नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल यूनिक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया। ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम आपको दिखा रही है, ये अपने आप में एक लौता प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो हमने ये बनाया है ये आम पत्र और बेल पत्र से बनाया है, क्योंकि हम लोग फूल जब उठाते थे तो हमें सावन के महीनों में स्पेशली आम और बेल के बहुत सारे पत्ते मिले, तो हमने सोचा कि इसको हम ऐसे डिस्पोज नहीं करेंगे, इसका भी हम यूज करेंगे। अच्छा। तो इसको हमने सुखा सुखा के पहले ढेर बनाया, तो फिर अमृता ने कहा तुम बनाना क्या चाहती हो। अमृता ये सोचा समझ में नहीं आया था पहले, तो मतलब ये इजाद इनको भी समझ में नहीं आई, बस लगा था कि चलो उसको भी करेंगे, कुछ यूज करेंगे लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं। तो फिर हमने कहा अमृता, जब उन्हीं दिनों के सावन में हवन भी होता है, तो फिर एकदम से ध्यान आया कि क्यों ना हवन की लकड़ियां बनाई जाए। तब तक हम लोग हवन सामग्री बनाने, थोड़ा सा मैं निकाल के दिखाइएगा, तब तक हम लोग हवन सामग्री बनाने लगे थे, लेकिन अब उसको जलाया, उसको हवन किसमें करना, तो फिर हमने सोचा अच्छा ये कटिंग की कि फिर इसको बेल के जैसे इसका मसाला तैयार। तो अमृता ने एक्चुअली मुझसे यही पूछा कि बनाओगी तुम, लकड़ी बोल रही हो, बनाएंगे जैसे गोल गोल कैसे बनाऊंगी, एक एक को गोल गोल कैसे बेलूंगी। फिर आइडिया लगाया गया, तो फिर इसी ने कहा कि अपन इसको बड़ा बेल के सीधे सीधे काट लेंगे तो लकड़ी रूपी हो जाएगा। ये लकड़ी आपकी क्या होता है कि जब हम लोग हवन की लकड़ियां घर में, जैसे हम महिलाएं काम करते हैं, ये जल भी जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि कपूर वगैरह सब हमारे प्रोडक्ट में कपूर है। आमतौर पे लकड़ी में तो थोड़ी सी फिर भी मशक्कत होती है, बहुत मशक्कत होती है। हम महिलाएं, वही मैं बताने जा रही थी कि हम महिलाएं जब उसको तोड़ती है तो कई बार मेरे हाथों में खुद वो हथौड़ी लग गई है कि उसको हम तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपको मतलब उन चीजों से चोट से भी बचा देगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे भी डाल दीजिए आसानी से जल जाएगी। इसी का एक वर्जन और हमने बनाया छोटा, ये तो बड़ा पैक है, जैसे अगर छोटा पैक किसी को चाहिए, लोग कहते नहीं हम कंडा ही जलाते हैं, नहीं हम आम, अरे आम के पत्तों का ही देखने में लग रहा है बहुत छोटा सा और सुंदर हो गया है। हमने इसको फिर एक ऐसा कंडा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लोग फिर वो गोबर में चले जाते हैं कि गोबर का होगा, लेकिन ये इसमें शुद्ध हमारा ये पाउडर है, गोबर कहीं भी नहीं है, चारकोल भी नहीं है, ये हवन की टिकिया हमने बनाई, इसलिए इसका नाम भी रखा हवन टिकिया, नाम भी रखा हमने जी। तो ये हवन करने के हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये आपको काला धुआं नहीं देगा, चोकिंग नहीं करेगा घर। अच्छा। में जैसे मैंने कहा पॉजिटिव ऑरा तो लेके आएगा, आप हर कमरे में इसको ले जाके रख सकते हो, पूरी श्रद्धा से हवन कर सकते हो आप, है ना। जो हवन करते समय आंखों में जब जाता है काला धुआं तो आंसू आने लगते हैं, वो आंसू आने से भी आप वो हो जाएंगे जी, जी। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि गृहणियां सब आराम से हवन कर सकती हैं, और एक पैकेट पूरा आप समझ लीजिए, तीज में हम लोग 5 हवन करते हैं, तो वो आराम से होता है 5 हवन आराम से। हम लोग खुद ये चीजें उपयोग करते हैं, अभी आजमा चुके हैं। हाँ। जी जी बिल्कुल। अमृता जी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इन चीजों को हमें दिखा दें हमारे दर्शकों को। चलिए मैं बता देती हूँ, ये हमारी अगरबत्ती है। अच्छा। है ना, ये छोटे पैक हम लोगों ने बनाए कि किसी को सैंपल प्रयोग करना हो जी। फिर उसके बाद लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं हर चीज की, तो ये सैंपल हमने तैयार किया है कि आप इसको ले जाइए ट्राई करिए, और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। और मैक्सिमम हमेशा हर बार यही हुआ है कि लोगों ने ट्राई करने के बाद हमसे बड़े पैकेट्स भी लिए हैं। अच्छा, और ये कुछ तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है हमें। ये जो है ये हमारा जी, आप ये हमारा धूप ये है। हमारा धूप है जी,
और ये हमने स्पेशली जो अपने वो रहते हैं कुम्हार रहते हैं तो उनसे ये छोटे छोटे दिए बनवाए कि स्टैंड के, मतलब ये दिए भी मिट्टी के दिए हैं। अच्छा, तो उसमें क्या स्टैंड में ही इजीली खड़े हो जाएंगे। ये पूरे मिल रही है, पूरे किट के साथ हम लोग, पूरा किट है हमारा, ये प्रॉपर किट है, इसमें ये माचिस भी रहती है और स्टैंड भी रहता है, पूरी किट है ये। ये जूट का पूरा आपने ये, हाँ, ये पूरा बैग पोटली है, तो आप जैसे, हाँ, जैसे आपने ये धूप यूज करने के बाद पोटली को भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत सी है, महिलाएं बचत कर सकती है, रीयूजेबल भी है ये। इसके बाद हमारे पास एक ये हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में अलग अलग तरह से बिकता है लेकिन ये हम लोगों का खेल खेल में तैयार हुआ प्रोडक्ट है। और वो खेल खेल में बहुत अच्छी चीज बन गई हमारी और आकर्षक भी जी। इसके बाद हमारा जो हम लोगों को ने बात की थी कि हमको बेलपत्र और आम के पत्ते प्राप्त होते हैं, तो उन पत्तों से हमने ये सबसे सर्वाधिक यूनिक आइटम जो ऑल इंडिया लेवल पे कुछ कहीं नहीं मिलेगा आपको, हवन के लिए लकड़ी और हवन की टिकिया, ये दो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए। दोनों काम एक ही करते हैं कि आपको हवन करना हो तो आप, आज के जमाने में हमें जब पौधे भी आसानी से नहीं मिलते जी, तब हम उन मंदिरों की जो चीजें हैं उनका यूज, निर्माल्य का प्रयोग, हम निर्माल्य का प्रयोग। इसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं, हमारी ये जो हवन सामग्री जो हम दिखा रही है ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें 100% हमने जड़ी बूटियों का यूज किया है। अच्छा। नागपुर में बहुत अच्छा जड़ी बूटियों का मार्केट है, अमृता नागपुर को बिलोंग करती है तो इसका बेनिफिट मिलता है, मिल जाती है वहाँ से सामग्री, सामग्री हम लोग से मिल जाती है। तो ये जो है ये हमारी बहुत ही मतलब पॉजिटिव ऑरा देता है आपके घर में और इतनी शुद्धता है इसमें, और शुद्ध चंदन पाउडर मिला है, रेड लाल वाला चंदन और सफेद चंदन और जड़ी बूटियां है। हाँ। इसमें तो ये क्या है, आपके घर में कोई भी जो नेगेटिविटी है उसको भी क्लीन आउट कर देता है। हमने ये सोचा कि पूजन सामग्री का तो काम हम कर ही रहे फूलों के आधार पर, तो हम इसको भी करें, क्योंकि मैंने देखा एक दिन मैं घर में ऐसे ही हवन करने के लिए हवन सामग्री रखी हुई थी, तो उसको जब निकाला तो उसमें सिवाय लकड़ी के और भूसा के मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब इवन जो मखाना और जो मेवा वगैरह पड़ता है वो तक नहीं मिला, तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि अरे ये क्या है, मतलब मैं कैसे हवन ही करूं, भगवान को क्या खिलाऊं, सब चीजें खरीदते हैं हम तो भगवान को उसी में खिलाते हैं। हाँ। मैंने कहा मैं इनको खिलाऊं, बेसिकली उसमें क्या करते हैं कि जो अपन जब लकड़ी का फर्नीचर जब बनता है तो उसमें जो डस्ट निकलता है तो उस डस्ट में कलर ऐड करके उसको ऐड कर दिया। अच्छा। जाता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे खुशबू नहीं, कुछ भी मतलब कहीं तो खुशबू वाले रहते भी नहीं, नहीं, नहीं तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें हमने कुछ भी ऐसा खुश, मतलब जैसे ऑयल, मैं कह रही थी कि हम लोग ऑयल यूज करते हैं किसी भी उसका लेते, केवड़े का तेल हो गया या केवड़े का, या फिर आपका रोज ऑयल हो गया, सैंडल ऑयल हो गया, बट हम उसमें है ना कोई भी ऑयल भी नहीं डाले, उसका खुद का एरोमा इतना बढ़िया है कि चंदन और जड़ी बूटियों से ही इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि हवन करने के बाद ऐसा मजा आता है, उसका उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है जी। हवन सामग्री की डिमांड तो वास्तव में ज्यादा है आज, ये सच में इस दौर में हमें कहीं छोटी सी भी कोई पत्ती यूज करनी हो तो वो आसानी से नहीं मिलती, हम घर घर ढूंढते हैं, पूछते हैं कि कहीं से मिल जाए कोई पौधा मिल जाए, है ना, तो तब तो ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं दिखाना चाहूंगी इसको, आप इसको बिल्कुल खोल के दिखा दीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो है हमारा डेकोरेशन की दुनिया में भी हमने कदम रखा है और फूलों के बेस से ही, फूलों के पाउडर से ही हम लोगों ने ये तोरण का मटेरियल बनाया है। अच्छा। ये जो तोरण के ये पत्तियां बनी हुई हैं, ये फूल है, ये मोती हैं, ये फूल हैं, चिड़िया है, ये सब कुछ हमने फूलों के पाउडर से तैयार किया। इवन ये जो मोती जो है ना, ये भी जो है बिल्कुल गोल्डन होते हैं, लगेंगे ही नहीं कि किसी मटेरियल से बना है, रेडीमेड लगता है सीधे, और ये मैंने खुद तैयार किया है ये तोरण, बहुत खूबसूरत भी है और जी शायद और, कि
इसको ऐसे पहचाना भी नहीं जा सकता इसका, और इसमें खुशबू भी आती है, खुशबू भी आती है, आपकी खुशबू ये आती घर में प्रवेश करे और बस अभी मैंने खोला है तो कितनी खुशबू, मेरा तो मन रम जाता है इसको देख देख। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये पहचान में नहीं आ रहा है कि असली मोतियां अभी अभी हमारे ये प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है इससे। अभी हमारी ये प्रोडक्ट्स अगर आप घर में वो करेंगी तो आपको रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ इतनी खुशबू आ रही है तो लग रहा है कि हम घर ले जाएं तो पूरा घर महकने लगेगा। मतलब इसका भी रिस्पांस मुझे इतना अच्छा आया कि दीपावली में हमारा पूरा स्टॉक निकल गया था। हम भोपाल गए थे वहाँ पे हम एक दो पीस ले गए तो उन्होंने कहा हम आपको ऑर्डर देंगे, हमको ऑर्डर पे बना के दीजिएगा। मतलब सेल आउट तो हुआ ही हुआ प्लस ऑर्डर के लिए भी उन्होंने कहा कि हम कांटेक्ट करेंगे उनको ऑर्डर। ये मेरी खूबसूरती को तो बढ़ाएगा, खूबसूरती बढ़ी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक चीज और है, जैसे ये दिया आप देख रही है ना, ये दिया जो है हमारा ये पूरा 100% बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जब जैसे मंदिरों में जैसे शनि मंदिर होते हैं स्पेशली जहाँ पे अलग से दिए जलाए जाते हैं तो मिट्टी के दियो की ढेर इकट्ठा हो जाती है मंदिरों में, तो उसको हमने कम करने का एक कुछ प्लान आउट किया है। तो हमने ये दिए बनाए जो कि पूरे दिए जल जाते हैं। अच्छा, पूरे जल जाएंगे, पूरे जलते दिया भी आपका दिया भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो है जो मंदिरों में दिए की ढेरी इकट्ठा होती है उसकी समस्या का भी निवारण है ये। और ये मतलब बहुत ही बढ़िया है, फूलों का यूज तो हो ही रहा है। एक चीज और है, हाँ, अभी होली आ रही है, होली की तैयारी, होली की तैयारी है तो फूलों के पाउडर से ही हम लोगों ने, फूलों के पानी से, ऑयल से हम कह सकते हैं जी, ये गुलाल तैयार किए हैं। और भले ही कलर लाइट है देखने में पर ये ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं। आप इसको टच करके महसूस कर सकते हैं, इसमें भी आपको खुशबू आएगी, खुशबू फूलों के पाउडर की खुशबू अलग से आती है। हाँ सच, तो ये भी हमारा एक नया अभी इनोवेशन हुआ है और इसके ऑर्डर्स भी हमको अभी से मिलने हैं। ये सब चीजें मतलब रीवा में बन रही हैं, ये एक सबसे ये बड़ी बात है। हाँ, हमें ऐसा कुछ यहाँ देखने नहीं, वही चीज है क्योंकि ये चीजें बाहर से जब लोग परचेज करके लाते हैं तो उनको काफी महंगी भी पड़ती हैं और दुकानों में भी फिर वो दुकानदार क्योंकि बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनको महंगी पड़ती है। मिल तो जाएंगी कुछ चीजें लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ये भी गारंटी। आप देखिए गुलाल जो मार्केट में भी आता है उसमें भी कलर एडेड होता है और जब वो लगाते भी हैं तो वो अपना रंग छोड़ देता है, ये रंग नहीं छोड़ेगा। आप जी भर कर खेलिए, 1% का नुकसान नहीं, किसी कोई हानि नहीं, शुद्ध स्किन ग्लो कर जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये कुछ 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन हो गया ये। हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं। बस आएंगे धीरे-धीरे, हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे हम बढ़ रहे हैं। एक साल में हम 10-12 प्रोडक्ट्स ले आए हैं, अगले आने वाले सालों में हम हो सकता है सौंदर्य प्रसाधन की तरफ भी बढ़े, ऐसी इच्छा है हम लोग। ये गुलाल अभी इतना है, असरदार है। अभी हमारे नगर निगम में भी हम स्वयं सहायता समूह के थ्रू मर्ज हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो नगर निगम में मर्ज होने से अब हमें ये होगा कि फूल हमें आसानी से मिल जाएंगे और हम जीरो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ये जीरो परसेंट वेस्ट पे जा रहे हैं। तो इसमें जो डंठल या जो स्टेम का हिस्सा या फूलों का जो अलग से हिस्सा निकलता है तो वो सारा अब हम उससे खाद बनाएंगे और वो 100% हमारा पूरा 0% मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, सारा यूज होगा। मतलब उस फूल का एक हिस्सा हम यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये पेड़ों की काम आएगी, मतलब जहाँ से हमने ली है वहाँ पर तेरा तुझको अर्पण इसलिए हमने अर्पण उसका नाम रखा है। बहुत ही खूबसूरत नाम भी है और आपने सार्थक किया है इन सब प्रयासों। आप अर्पण नाम देखेंगी तो अर्पण ए से शुरू होता है, अमृता पे शुरू होता है, नम्रता पे खत्म होता है, एन से खत्म होता है। ये तो मतलब और उसमें हम दोनों की बिटियों के भी नाम है क्योंकि पी ए जो है पाखी का है और आरोही का है जो कि इसकी बिटी है। ऐसा लग रहा है सब सोच समझ के किया हुआ। सोचा तो नहीं था। क्या होता है भाव, जो कहते हैं ना भाव चरितार्थ होते हैं, तो मन के भाव थे कि कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है और उस नाम को भी ऐसा करना है कि वो सार्थक सिद्ध लगे, तो बस वो नाम बनता चला गया और चीजें जुड़ती चली गई और भाव भी जुड़ते चले गए। तो ये आपके सामने साकार रूप में सफल हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप और तरक्की करें दिन बिल्कुल और शौक नहीं है। बिल्कुल, आपका धन्यवाद है, आपकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे दर्शक तो जुड़े हुए हैं तो वो जरूर एक बार तो जरूर हम कहेंगे कि इनको एक बार कोशिश की जाए, वो सभी एक बार इसका प्रयोग करें और देखें कि ये
कितना कितना खुशबूदार है और कितना भक्तिमय है, कितना श्रद्धामय है। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कोरोना जब से गया है तो हमारे जो आप देखेंगे कि अगर खांसी होती है तो बहुत लंबी खिंचती है, जल्दी ठीक नहीं होती। थोड़ी दवाइयां अपन ने खाई तो ठीक नहीं, जैसे पहले ठीक हो जाती थी, अब वो चीज नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो हमें बहुत समय लगता है कि खांसी को भी ठीक करने में। तो उसका एक रीजन है कि अगर हम हर एक घर अपना एक पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करें तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि एक कॉलोनी, एक एरिया और फिर धीरे धीरे वो शहर और इंडिया तक पहुंचेगा। लेकिन हर घर में अगर एक भी पर्सन ये सोचे ना कि हम थोड़ा सा अपने घर में पोल्यूशन करें, क्योंकि अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती धूप, ये पूरे वर्ल्ड में 65% पॉपुलेशन इसको यूज करती है। और तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम कार्बन युक्त, चारकोल युक्त अगरबत्ती जला रहे हैं तो वो अपने आप में एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो उसको कंट्रोल करने का हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम ये अगरबत्ती और धूप के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। एक रूहानी सुकून देती हैं ये खुशबुएं, ये जो भी आपके ये हैं प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाहर वही चीजें यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम हैं। जो भी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम आसपास देखते हैं तो कितना हमें पॉल्यूशन दिख रहा है। हम अपना घर का वातावरण अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ भी हम वही बाहर की चीजें यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह, और कहीं ना कहीं आ जाता है वो, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने शुद्ध कर लिया, लेकिन कितना बचने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अपने घर में भी वही चीजें यूज करके वहाँ भी पॉल्यूशन या थोड़ा सा जो दुर्गंध है वो भी हमें कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से बढ़ती रहें और भी प्रोडक्ट हमारे पास आते रहें और लोग इसका इस्तेमाल करें। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का, हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अपने कार्यक्रम विजनारी में। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।